एवरीबॉडी, मैं हूं प्रीति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांसटेरो 369 में। सो गाइस, आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर हैं, तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, सिचुएशन में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। सो ये सारी चीजें आज चेक करेंगे। ऑलराइट, ओके। सो गाइस देखिए, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही आपने रखने हैं, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो चलिए गाइस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, एक कंसोलिडेटेड रीडिंग निकालेंगे। सो एंजल्स एंड सिस्टर्स, ऑल माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प कीजिए। ओके, राइट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस गाइस, ऑलराइट, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। चलिए यूनिवर्स प्लीज और कुछ कार्ड्स दे दीजिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के लिए ऐसा समझ में आता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पर एज डिफरेंस मुझे दिखाई देता है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर एज डिफरेंस है और कुछ कुछ लोगों के केस में यहाँ पर एज डिफरेंस ज्यादा है, इस तरह का फीलिंग मिलता है। ऑलराइट, ओके, ओके, यहाँ पर गाइस किसी किसी के लिए एरीज इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, गाइस यहाँ पर स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत है। ओके, स्वॉर्ड की एनर्जी ज्यादा निकल कर आई है गाइस। ओके, ऑलराइट, द स्टार, यहाँ पे गाइस किसी किसी के लिए एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, ऑलराइट, ओके, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज कुछ और कार्ड्स दे दीजिए और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, ऑलराइट, द हर्मिट, ऑल राइट, नाइन नंबर, हर्मिट, गाइस किसी किसी के लिए यहाँ पर वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्गो देखिए गाइस, किसी के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वर्गो। ओके, डेथ, यहाँ पर गाइस डेथ का कार्ड निकल कर आया है, नंबर 13, यहाँ पर गाइस स्कॉर्पियो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, राइट, चलिए और एक कार्ड ले लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर गाइज एक्वेरियस किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर स्टार का कार्ड निकल कर आया है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हमारे पास यहाँ पर स्वॉर्ड की एनर्जी काफी निकल कर आई है। थर्ड पार्टी जो है गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कोई तो है जो बहुत एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहा है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आइडियाज लगाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्लानिंग हो रही है किसी चीज की, और यहाँ पर एक इमेच्योर प्लानिंग की फीलिंग मिलती है, कि इमेच्योर बिहेवियर की भी फीलिंग यहाँ पर मिलती है। सो गाइज, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में यहाँ पर कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा एज डिफरेंस दिखाई देता है, शायद इन दोनों में 10 से ज्यादा ईयर्स का डिफरेंस है इनके एज में, इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर कुछ छोटा सा सेट ऑफ पीपल के लिए मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए गाइस, कुछ लोगों के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर हैं, ये तो मुझे यहाँ पर अलग अलग लोगों से मैरिड दिखते हैं
और फिर भी एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के केस में मुझे इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखाई देता है और एक इंसान जो है यहाँ पर दूसरे इंसान को डोमिनेट करते हुए मुझे दिखाई देता है। इस वजह से यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़े से क्लैशेस होते हुए दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेशन की फीलिंग थोड़ी ज्यादा मिलती है। यहाँ पर क्योंकि गाइस स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो दोनों के बीच में थोड़ी सी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ही अलग अलग सोचने का तरीका है और दोनों ही अपने अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन चाहते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक प्यार वाली जो फीलिंग है वो यहाँ पर नजर नहीं आती है। इस पूरी रीडिंग में अगर आप देखेंगे गाइस, तो हमने रीडिंग निकाली है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर अर्थ निकल के आया है पेज की एनर्जी में, पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, हर्मिट है, डेथ है, स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा निकल कर आई है। तो यहाँ पर गाइस देखिए, एक इंसान जो है दूसरे इंसान को थोड़ा डोमिनेट, थोड़ा नहीं कहूंगी, थोड़ा ज्यादा कहूंगी, ज्यादा डोमिनेट यहाँ पर करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इतना डोमिनेट करते हैं और इतना कंट्रोल करते हैं कि शायद ये इनके ईमेल्स चेक करते होंगे, मोबाइल फोन का पासवर्ड इनसे ले लेते होंगे, और टाइम टाइम पे ये भी पॉसिबल है कि इनके कॉल डिटेल्स भी चेक करते होंगे ये, कि कब ये कॉल पर हैं, कितनी देर किससे बात कर रहे हैं, अगर ये व्हाट्सएप पे है तो ये कब ऑनलाइन हुए, कब ऑफलाइन हुए, इंस्टा पे हैं तो कब ऑनलाइन आए, ये सारी डिटेल्स जो है ये यहाँ पर रखते होंगे। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मुझे मिलते हैं। प्लस गाइज यहाँ पर एक चीज और है जो मुझे दिखाई देती है, यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे दो तीन फीमेल एनर्जीज दिखते हैं और ऐसा यहाँ पर एक कंप्लीट क्लियर फील मिलता है कि गाइज देखिए, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है। तो यहाँ पर मैं एक फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, एक फीमेल एनर्जी की बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर मुझे दो तीन फीमेल एनर्जी दिखाई देते हैं। एक तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है किसी के केस में यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो आपके मदर हो सकती है या बड़ी सिस्टर हो सकती है, आपकी बुआ दादी कोई भी हो सकती है, ये यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हुए दिखते हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो है थोड़े ज्यादा डोमिनेटिंग है और इस वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो है एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप शादीशुदा हैं या आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है या आप एंगेज्ड हैं। यहाँ पर ये जो फीमेल एनर्जी है ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हुए यहाँ पर ये मुझे दिखते हैं। बाकी लोगों के इसमें गाइस यहाँ पर मुझे अदर देन यू नो थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे और भी कोई दिखाई देता है, ये कोई भी हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक फीमेल एनर्जी दिखाई देती है। हो सकता है कि ये फेमिनाइन एनर्जी में इस वक्त हो, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स इन योर केस। तो यहाँ पर एक मुझे कोई ऐसे इंसान भी दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर एक फीमेल एनर्जी में है, फेमिनाइन एनर्जी में है, काफी ये आपके पार्टनर को यहाँ पर पसंद करते हुए मुझे दिखाई देते हैं और इन दोनों के बीच में एक मुझे एक अलगाव की स्थिति दिखाई देती है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीमेल एनर्जी। ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है, ये कोई भी जेंडर हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। गाइस देखिए, यहाँ पर कोई एक इंसान है जो अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहिए और चाहे डोमिनेशन कितना भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा इस रिलेशन को ठीक ठाक तरीके से आगे लेकर जाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर एक कोई इंसान है वो दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो दूसरा इंसान है यहाँ पर वो थोड़ा अकेले बन के सिचुएशन में रहना चाहता है, उनको लगता है कि थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड किया जाए, थोड़ा सिचुएशन को देखा जाए, थोड़ा सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाए, नोटिस किया जाए, इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। गाइज देखिए, यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि थर्ड पार्टी ने ऐसा कर दिया, थर्ड पार्टी ने वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी भी इंसान है और यहाँ पर आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि थर्ड पार्टी ने कुछ कर दिया तो हमारे पार्टनर चले गए। आई एम सॉरी टू से, बट आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं है, उन्होंने अपनी भी थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा तभी वो थर्ड पार्टी में चले गए, ओके? और कोई किसी को ऐसे वर्गला नहीं सकता है, उनका खुद का भी अपना कोई इंटरेस्ट रहा होगा तभी उन्होंने थर्ड पार्टी को यहाँ पर चूज किया है। सो गाइज, व्हाटसोएवर, बात थोड़ी सी कट टू कट है तो शायद आप में से कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, बट ये सच होता है गाइज।
डे टू डे बेसिस पे कई सारे केसेस आते हैं और कई लोगों के यू नो केसेस हैंडल करते हैं, तो पता चलता है कि इंटेंशनली भी कई लोग जो है चले जाते हैं, थर्ड पार्टी में एंटर कर जाते हैं। कई लोगों के अच्छे फैमिली चल रहे होते हैं फिर भी किसी के साथ इंडल्ज हो जाते हैं, तो कई लोग इंटेंशनली भी ऐसा कर लेते हैं। तो अपने पर्सन को बहुत ज्यादा आप बेचारा मत समझिएगा और ये मत सोचिएगा कि बहुत ही आपके पर्सन नादान है तो किसी ने इनको ऐसा अपनी तरफ खींच लिया है, ऐसी यहाँ पर मुझे कोई बात दिखाई नहीं देती है। सो गाइज यहाँ पर देखिए, कोई तो एक इंसान है यहाँ पर इन दोनों में से जो कि अपने आप को इन्होंने अकेला किया हुआ है, और यहाँ पर मुझे एक इमेच्योर सी एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग दिखाई देती है कि किसी ने किसी को यहाँ पर रुपए पैसे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने नादानी में अपने जो पैसे हैं किसी को दे दिए हैं, और अब जो है इनको थोड़ा यहाँ पर पछतावा होते हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बेस जो है वो प्यार नहीं है, लॉजिक्स इसमें ज्यादा बेस है और यहाँ पर प्रैक्टिकल डिसीजंस काफी लिए गए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इन लव। यहाँ पर गाइज इस रीडिंग में मैं कहूंगी कि इन्फैचुएशन ज्यादा मुझे दिखता है, अट्रैक्शन ज्यादा दिखता है। यहाँ पर मुझे प्यार वाली कोई फीलिंग दिखाई नहीं देती है। टाइम बिंग अफेक्शन अगर किसी से हो जाता है, टाइम बिंग अट्रैक्शन अगर किसी से हो जाता है, तो यहाँ पर उस तरह की फीलिंग्स जो है मुझे दिखाई देती हैं। यहाँ पर गाइज विद दिस डेथ कार्ड एक कंप्लीट फीलिंग मिलती है कि इस रिलेशनशिप को यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पर अलग होने वाला है, कुछ यहाँ पर खत्म होके कुछ नया शुरू होने वाला है। कुछ लोगों के केस में गाइज यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का यहाँ पर चल रहा है, ये मुझे थोड़ा सा एक एंडिंग की तरफ जाता हुआ दिखता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप का एक रीबर्थ होगा। देखिए यहाँ पर दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं, एक तो ये कि जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी के अलावा भी दो तीन लोग दिखते हैं और यहाँ पर मुझे दोनों की लाइफ में कोई और भी दिखता है, तो ऐसा फील मिलता है कि ये रिलेशन यहाँ पर एंड होके इस रिलेशनशिप का डिफरेंट डायरेक्शंस में रीबर्थ होते हुए मुझे दिखाई देता है। दोनों ही लोगों के लिए कुछ एंड होगा और कुछ जो है यहाँ पर शुरू होते हुए मुझे दिखाई देता है। बट विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बींग द लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग, यहाँ पर ये मुझे क्लियर फीलिंग देता है कि ये होगा तो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। ये 11 महीने भी हो सकते हैं, 11 हफ्ते भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 11 दिन भी हो सकते हैं। गाइस कुछ लोगों के लिए आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं, तो यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए गाइज ऐसा मुझे फील मिलता है कि आपके पार्टनर को यहाँ पर या फिर थर्ड पार्टी को कुछ इंस्टिंक्ट्स अपने अंदर से मिल रहे हैं। इनको अंदर से कोई आवाज आ रही है जो ये कह रही है कि इस रिलेशनशिप में इनके लिए कुछ नहीं है एंड दे शुड मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहाँ पर कोई तो है दोनों में से, और ये मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए मैं कह रही हूँ गाइज, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए बात आती है कि कोई तो यहाँ पर एंजेलिक इनके साथ में ब्लेसिंग्स हैं जो कि इनको इंस्टिंक्ट दे रहे हैं, या कुछ लोगों को अपने सोल इंस्टिंक्ट्स मिल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में इनके लिए ज्यादा कुछ रखा नहीं है एंड दे शुड मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, सो चलिए गाइज एक बार फिर से देख लेते हैं अगर हमारे लिए कुछ और भी यहाँ पर जानना जरूरी है तो, कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में और क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में और ऐसा क्या चल रहा है जो हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, थर्ड पार्टी एंड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में ऐसा और क्या हो रहा है जो हमें जानना जरूरी है, मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर जानना जरूरी है। प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए। राइट, थर्ड पार्टी एंड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में और ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है। ये देखिए गाइस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, देखिए ये देखिए बहुत सारा इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो कि ये आपस में सोच रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है गाइज जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है और जिसको ये याद नहीं करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहते हैं। बीइंग नंबर 5 यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा पेन दिखाई देता है
डिप्रेशन दिखाई देता है, एंजाइटी दिखाई देती है, बहुत सारी सोच दिखाई देती है जिससे कि ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। चाहते हैं कि सोच से ये बाहर आ जाए लेकिन ये सोच से बाहर नहीं आ पाते। अपने पास्ट में एक बार चले जाते हैं तो उस पास्ट से निकल कर नहीं आ पाते हैं। ये भी गाइज यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बहुत लोगों के लिए कि हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने यहाँ पर अपने लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, लेकिन शायद यहाँ पर आपको पता चल गया है। और कुछ लोगों के केस में गाइस थर्ड पार्टी के साथ आपका 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो गया है, और शायद आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी और मेरे जो व्यूअर्स इस वक्त आप लोग जो ये देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी का डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन, हॉट कॉन्वर्जेशन हो चुका है, हीटेड कॉन्वर्जेशन कहूंगी, हीटेड कॉन्वर्जेशन हो चुका है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। और आपके साथ जो भी इनका हीटेड कॉन्वर्जेशन हुआ है उसको ये याद कर रहे हैं, और इनको बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस यहाँ पर हो रही है, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। गाइज इनके कोई तो यहाँ पर इनके दोस्त हैं, कोई इनके शुभ चिंतक हैं जिनसे ये मुझे यहाँ पर गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हैं कि अब इस केस में क्या करना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के फीलिंग यहाँ पर मिलते हैं। सो गाइज ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर मुझे किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि आप जो है ये किसी की राय से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आप क्या करना चाहिए, या ये जो भी सिचुएशन बनी है इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जो है किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। देखिए गाइज बैक टू बैक हमारे पास जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, 3 नंबर 4 एंड 5 नंबर यहाँ पर सीक्वेंस में नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। टर्निंग इनकी यहाँ पर कंप्लीट फीलिंग मिलती है गाइज, यहाँ पर ये जो भी थर्ड पार्टी है या आपके पर्सन है, सिचुएशन इन दोनों के बीच में इतनी टॉक्सिक हो चुकी है यहाँ पर कि अब जो है ये जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हर्मिट का कार्ड भी आया था गाइज, तो लोग यहाँ पर काफी कुछ इनको कह रहे हैं लेकिन ये जो है अपने आत्मा की बात सुनना चाहते हैं, अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं, अंदर ही अंदर जैसे कि हम एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की फीलिंग में चले जाते हैं, उस तरह की यहाँ पर एक कंप्लीट फीलिंग मिलती है, और ऐसा लगता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, खुद से ही यहाँ पर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या बात कर रहे हैं, उन सारी चीजों से यहाँ पर अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं थर्ड पार्टी कि अब खुद से इनको डिसीजन लेना है कि इस चीज में क्या किया जाए, और इस प्यार से कैसे निपटा जाए, या इस प्यार में रहा जाए, या इस प्यार से बाहर निकल जाया जाए। अभी देखिए गाइज आप सीक्वेंस देखिए, 3, 4, 5 एंड दिस इज द 6th नंबर। यहाँ पर गाइज एक कंप्लीट फीलिंग मिलता है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर भी लास्ट कार्ड ऑफ दिस इज स्वॉर्ड, एयर एनर्जी हमारे पास यहाँ पर भी निकल कर आई है, एंड द लास्ट कार्ड इज बर्डन। सो यहाँ पर गाइज ये जो रिलेशनशिप है दोनों को ही एक बर्डन की तरह लग रहा है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन बोझे को ज्यादा देंगे ढो नहीं पाएंगे, इस तरह के फीलिंग्स भी इनके दिल में है। काफी कुछ ख्यालात हैं जो भी इनके साथ हुआ है, सारी चीजों को इन्होंने सोचा है, परखा है, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाए हैं, लेकिन चीजें यहाँ पर गाइज इनके लिए मुझे कुछ वर्कआउट करती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि कोशिश तो बहुत कर रहे हैं चीजों को सॉर्ट करने की लेकिन यहाँ पर होगा नहीं, इतने बोझे के साथ ये जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर एक दूसरे के लिए ये फील कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान दूसरे इंसान को बोझे की तरह ले रहा है, बल्कि यहाँ पर बोझा इनको ये रिलेशनशिप ही नहीं, इस रिलेशनशिप से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां इनको यहाँ पर बोझे की तरह लग रही हैं। सो गाइस इनिशियल लेवल पे हो सकता है कि एक अट्रैक्शन में आके इन्होंने एक दूसरे के साथ में ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर एक दूसरे के सच का जो इनको सामना करना पड़ा है, उसकी वजह से यहाँ पर चीजें जो है दोनों के बीच में थोड़ी सी बिगड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। देखिए गाइस जब दो लेवल हेडेड लोग एक साथ होते हैं
और जब दोनों की अपनी सोच होती है और दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते, ये मेजोरिटी ऑफ पीपल का यहाँ पर कहानी है, तो फिर वहां पर चीजें बिगड़ती हैं, क्योंकि हर एक की अपनी थॉट प्रोसेस होती है और वो दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहता है और दूसरे को समझना नहीं चाहता है। यहाँ पर मैं मिस्टर राइट हूं और मैं मिस राइट हूं वाला जो सीन है वो मुझे ज्यादा दिखाई देता है। सो एक ईगो का प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है विद दिस रीडिंग। सो ये रिलेशन गाइज मुझे कहीं आगे ज्यादा हुआ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर एक मैं वाली फीलिंग है और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे एक ईगो वाला प्रॉब्लम भी दिखाई देता है। सो गाइज यहाँ पर देखिए एक लास्ट बात जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, आप अपने सिचुएशन में इसको ठीक तरह से समझिएगा कि कौन है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मुझे एक प्रॉब्लम भी होते हुए दिखाई देती है। वो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो है थर्ड पार्टी को ये दिक्कत है या ये शिकायत है कि आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने थर्ड पार्टी का स्टैंड नहीं लिया है, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर थर्ड पार्टी को है। और थर्ड पार्टी को इस बात का बहुत गुस्सा भी है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ने इनका स्टैंड नहीं लिया है या इनकी तरफ ये खड़े नहीं हुए हैं या इनके सपोर्ट में वो नहीं है, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर थर्ड पार्टी के मुझे मिलते हैं। ओके सो गाइज फिलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी कलरफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। सो अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।